हेलो फ्रेंड, मैं अंकित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ आप अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैमिली में। आज आप लोग बहुत ही होंगे, बहुत खुश होंगे, ब्लड प्रोग्रेस कर रहे होंगे। वीडियो का थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। जी हाँ, आज वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम जो है कोई भी पुरानी फोटोज है या ऐसी फोटोज है जो थोड़ी सी ब्लर हो गई है या ऐसी फोटोज है जो कि हम जिसका हमने स्क्रीन शॉट लिया है उसकी क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा खराब रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है डल रहती है। उसके कारण क्या होता है, जब आप जूम करते हैं तो फोटो फट जाती है, पिक्सल फट जाते हैं बेसिकली उसके। तो उसको हम अच्छा कैसे बना सकते हैं, यानी कि HD कैसे बना सकते हैं जिससे कि हम उसको जूम करें तो थोड़ा सा अच्छा देखने को मिले हमें। यानी कि पुरानी फोटो को हम रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। हमारे घर के अंदर भी होते हैं बहुत सारे फोटो जो पुराने कैमरा से खींचे हुए होते हैं, वो टाइम टू टाइम जो है वो खराब हो जाते हैं। हमारे दादा दादी की फोटो होती है वो थोड़े से खराब हो जाते हैं, तो उसको हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं उसी को हम आज देखने वाले हैं। मैं आपको लाइव आज करके दिखाने वाला हूँ एक फोटो को, उसके बाद आप किसी भी फोटो को बहुत ही आसानी से रिस्टोर कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल वर्किंग मेथड है, बहुत ही अच्छा तरीका है, तो इसको आज हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको हमको कैसे करना है। आप हमारी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं सारा प्रोसेस जो है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना है, यहाँ से आपको जो है ऐप डाउनलोड करना है एक। यहाँ पे आपको प्ले स्टोर जैसे ओपन होगा यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है REMEINI, यानी रेमिनी ऐप। देख सकते हैं ये ऐप आ चुका है, रेमिनी AI फोटो इनहेंसर। इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, मैंने ऑलरेडी कर लिया है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ से स्किप कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। अगर आप लॉग इन करेंगे इसके अंदर तो आपको काफ़ी सारे जो है अलग फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, जिसकी मदद से आप जो है अपने फोटो का कलर इन्हेंस कर सकते हैं और बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने स्किप किया है क्योंकि मुझे बस इन्हेंस करके दिखाना है आपको फोटो को। यहाँ पे इन्हेंस प्रो दिख रहे हैं आप, अगर आपको ये ऐप पसंद आता है तो इसका प्रो वर्जन भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, साथ ही साथ और भी एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलेंगे, तो आप उसको ले सकते हैं। यहाँ पर आपको इन्हेंस पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं एक फोटो ले लेता हूँ जिसको मैं आपको रिस्टोर करके दिखाऊंगा, आप कोई फोटो ले सकते हैं। यहाँ से आपको गैलरी से एक फोटो पिक कर लेना है। ये फोटो देख सकते हैं थोड़ा सा जो है ब्लर है, काफ़ी ज़्यादा मतलब पुराना फोटो है, ये मेरी बचपन की फोटो है जो उसको मैं रिस्टोर करने वाला हूँ, मुझे घर के अंदर मिला। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है ये वो पुरानी हो चुकी है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्क्रैचेज वगैरह बहुत सारे जो निशान हैं उस पर आए हुए हैं, तो इसको हम रिस्टोर करके देखेंगे कि कैसा दिखता है। ये पहले का फोटो है, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे जो बटन दिख रहा है उसको राइट टिक का निशान है उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद एक टास्क क्रिएट होगा, उसके बाद आपको ऐड देखने को मिलेगा, एक ऐड चलेगा, उसके बाद जो है आपका यह पूरा जो है फोटो जो है वो प्रोसेस होकर आएगा। देख सकते हैं जो ऐड आ चुका है, जितने देर में ये ऐड आपको दिखेगा उसके बाद जो है उतनी देर में वो फोटो प्रोसेस होगा, उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये फ्री ऐप है इसलिए आपको ऐड देखना पड़ता है, क्योंकि हर कोई जो ऐप बनाता है वो अर्निंग के लिए बनाता है कि ताकि वो उनकी इनकम हो सके। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इनका ऐड देख लेते हैं। आपको पूरा ऐड देखना ही पड़ेगा, यहाँ से आप हटा नहीं सकते। अगर आप ऐड नहीं देखना चाहते हैं तो पहले यूज़ करके देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है उसका प्रो वर्जन ले सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऐड खत्म हो चुका है, यहाँ से आपको क्रॉस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बिफोर एंड आफ्टर दो सेक्शन मिलेंगे, जिसके अंदर आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। तो अभी थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है तो इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा, लोड जैसे हो जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आफ्टर हमारा लोड हो चुका है, बिफोर लोड होना बाकी है, तो जैसे बिफोर लोड होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर लोड हो चुका है, इसको बीच में जो लाइन दिख रहा है आपको इसको स्लाइड करके आप देख सकते हैं कि कितना चेंज हुआ है। मैं जूम इन करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फेस का व्यू है। जैसे मैं इसको लेफ्ट करूँगा देख सकते हैं ये आफ्टर बिफोर देख सकते हैं कितना ज़्यादा चेंज आ चुका है। जो फेस पे जितने भी ज़्यादा वो मार्क्स थे वो सारे हट चुके हैं, बेसिकली ये स्किन पे काम करता है। तो फोटो के अंदर ज़्यादा जो पीछे चीज़ें हैं उसको चेंज नहीं किया इन्होंने, बेसिकली जो फेस है उसको काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर दिया है। देख सकते हैं, मैंने आपको फिर से दिखाता हूँ कितना ज़्यादा चेंज कर दिया है। पहले बहुत ज़्यादा ब्लर था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है ये। अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा करना चाहिए तो इन्हेंस 2 पर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी कर दिया फटाक से। आपको इन्हेंस 2 के लिए करना होगा, ये क्या करेगा बेसिकली कि जो आपका फोटो इन्हेंस 1 हो के आया था उसको और ज़्यादा इन्हेंस करेगा, मतलब उसके अंदर कुछ अगर चेंज करना होगा तो उसको और ज़्यादा वो कर देगा। तो आप इन्हेंस 2 यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका फोटो बहुत ज़्यादा
ब्लर नहीं है तो इनहेंस टू ना करें। आप यहाँ पे हम देखते हैं कि इनहेंस टू के अंदर क्या हुआ है। आफ्टर टू जो है अभी लोड नहीं हुआ, ये आफ्टर वन देख सकते हैं जो पहले हुआ था वो है, एंड आफ्टर टू ये है। मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ तब जाए थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये देख सकते हैं कि ये इस साइड आफ्टर वन है एंड ये इस साइड आफ्टर टू है। तो देख सकते हैं जो पहले मेरा फोटो थोड़ा सा ब्लर था उसको उन्होंने थोड़ा सा फेड करके हटाया है। अब ये देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज है, आपको माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे जो कि फोटो को बहुत ही अच्छा कर दिया है। जो स्टार्टिंग में था ओरिजिनल था उसके मुताबिक काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया कि फोटो कितना ज़्यादा जो ब्लरी हो चुका था, बहुत काफ़ी सारे निशान थे फोटो के ऊपर, तो कितना ज़्यादा इसके अंदर ये चेंज आ चुका है। यहाँ से आप सिंपली सेव कर सकते हैं, इनहेंस वन पे जाके आप देख सकते हैं कि पहले ऐसा था फोटो, अब ये फोटो जो है कितना अच्छा हो चुका है। तो अब ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसका प्रो वर्जन ले सकते हैं। तो ये था ये इस ऐप का काम, बेसिकली एआई पे काम करता है, इसीलिए ये जो क्या करता है आपके फोटो को जो फेसेस के अंदर या स्किन के ऊपर जो भी इशूज आ रहे हैं, मतलब जो भी दाग धब्बे आ रहे हैं उसको हटाता है। यहाँ जैसे मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड आ चुका है। तो बेसिकली ये फ्री ऐप है, इसीलिए आपको ऐड देखने को मिलता है, यहाँ से गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा आपका फोटो, यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऐप जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने पुराने फोटोज को रिस्टोर करने के लिए, उसके अंदर जो भी थोड़ी सी जो निशान आ गए हैं या जो भी ब्लर थोड़ा सा आ गया है उस सबको ठीक करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें अपने यार दोस्त मित्रों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, ताकि सब इसका यूज कर सके और अपने फोटोज को जो है अच्छा बना सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।